अगर हम जैसे पहले से वन मोल ले लें, एन के लिए वन और फैक्टर सिक्स है, तो वन इक्वल्स टू जी बाई सिक्स, यानी जी ई कितना हो गया, सिक्स। अब सीधी सी बात है, इसका अगर सिक्स जी ई है तो इसका भी सिक्स जी ई होगा, 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 इसका भी सिक्स जी ई, सिक्स जी ई होगा। ये समझ लीजिए कैसे निकाला हमने, ये वन आया था तो इस फार्मूले में मोल इक्वल टू जी बाई एक्स में मोल हमने वन ले लिया, इसका फैक्टर निकाला हुआ है, ये सिक्स है तो जी सिक्स, तो वन मोल हो गया यानी कि सिक्स जी ई होगा। तो एक का अगर सिक्स होगा सबका सिक्स जी होगा। अब क्या करेंगे, अब बड़ा आसान है। जैसे देखिए फैक्टर एक्स जिसका मालूम चल गया, ध्यान देखिएगा, तो फैक्टर एक्स क्या हो जाएगा, फैक्टर एक्स हो जाएगा जी ई बाई नंबर ऑफ मोल्स। वही इसका पता है, इसका नहीं पता था, क्यों, इसमें कुछ था एक्टिव कुछ था स्पेक्टेटर यानी इनएक्टिव। तो अब क्लियर सी बात है, देखो 14 है मोल, 6 है जी ई, तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जी बाई एन, तो ये हो जाएगा 6 बाई 14। याद कीजिए, बहुत बिल्कुल ध्यान दिखिएगा। और ऐसे ज़रा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर ये भाई देखो ये जी ई बाई एन, तो जी ई 6 बाई 2 बना 3 आ गया। ज़रा यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी फैक्टर्स क्या हो जाएगा, जी ई बाई मोल, तो 6 जी ई यानी फैक्टर एक्स हो जाएगा 6 बाई 2 यानी ये 3। और यहाँ देखेंगे एक्स क्या हो जाएगा, ये 6 बाई 7, क्योंकि फैक्टर हो गया जी ई बाई मोल। समझ आ गया ये, तो ये टी ओ एन सी मेथड है टिपिकल केस के लिए। अगर कोई और एग्जाम्पल ले लें जो बड़ा आसान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 2 मिनट में देखिए तुरंत ही क्लियर हो जाएगा, बस 2 मिनट रुकिए। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, उसको बहुत ध्यान देखिए, तुरंत दिखाई पड़ेगा आपको इमीडिएट। समय बहुत कम है क्योंकि लॉन्ग टाइम असल में रिगार्डिंग से फिर व्हाट्सएप जा नहीं पाता है। देखिए जैसे हमने लिया ये पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया FeSO4 प्लस H2SO4 दैट गोज टू K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस और प्लस यहाँ जा रहा है MnSO4 और पोटेशियम का हो ही गया है और वाटर वगैरह होगा तो होगा, अदरवाइज आप चिंता मत करें। अब जरा ध्यान देखिए यहाँ पर स्टेट है +7, कैसे, +1 प्लस एक्स माइनस 8 निकाल लेंगे। यहाँ फेरस का है +2, क्यों, सल्फेट का -2, तो एक्स माइनस 2 0, एक्स प्लस 2, H2SO4 ये स्पेक्टेटर है, ये भी स्पेक्टेटर है। यहाँ पर Fe का है +3 और यहाँ मैंगनीज का है +2, क्योंकि सल्फेट का है -2 तो मैंने कहा +2, राइट। अब देखिए बस चुटकियों में 7 goes to 2, तो ओ एन सी हो गया -5, टी ओ एन सी हो गया -5, क्योंकि एक आइटम है, यानी फैक्टर एक्स हो गया 5, क्योंकि उसका था मैग्नीट्यूड, तो 1 मैग्नीज के लिए 5, यहाँ भी 1 है तो इसका फैक्टर एक्स 5। अब देखो यहाँ पर 2 goes to 3, तो ओ एन सी इज +1, टी ओ एन सी इज ऑल्सो +1, क्योंकि एक ही आइटम है, लेकिन यानी यहाँ फैक्टर एक्स हो गया 1, लेकिन 1 आयरन के लिए 1, तो यहाँ पर 2 आयरन है इसके लिए हो जाएगा 2। अब क्या बताया था मैंने, इनवर्स रेशियो, यानी कि 1 बाई फैक्टर एक्स ये ले लेंगे, फिर कैसे हो जाएगा ये, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 1 बाई 5, यहाँ हो गया 1 बाई 1, यहाँ हो गया 1 बाई 2, यहाँ हो गया 1 बाई 5, बस हो गया बैलेंस। अब 5, 2 और 1 का एलसीएम 10, तो इंटू टेन, देखो कितना आसानी से हो रहा है बैलेंस। तो अब ये 5, 2 जा तो ये 2 हो गया, ये यहाँ पर देखो ये 10 हो गया, ये देखो यहाँ पर ये 5 हो गया, और ये देखो यहाँ पर ये 2 हो गया। बस अब मेन जो थे वो बैलेंस हो गए, तो छोटे मोटे अपने आप बैलेंस होंगे कैसे, देखें सबसे पहले सल्फेट, ध्यान देखिए सल्फेट कितना है, यहाँ 5 × 3 = 15 और 1 = 16 और 2 = 18 और यहाँ पर 10 यहाँ पर है तो 8 यहाँ जोड़ देंगे तो 8 हो गया ये, और 8 देखो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 8H2O और 16, तो यहाँ पर देखो अपने आप 16 हो गया। समझ आ गया ये अपने आप बैलेंस हो गया चुटकियों में, ठीक है। इस पर और एग्जांपल बाद देंगे, जम के पढ़ाई कीजिए,
मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप क्वेश्चन पूछिए, आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछिए, टेलीफोन करके क्वेश्चन पूछिए, ये समय आपके लिए बड़ा ही कीमती है। थैंक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।